हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूज वायर के बारे में। फ्यूज वायर क्या है? ये आमतौर पर सबके घरों में यूज होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब बहुत तेज आंधी या फिर तूफान आ जाता है तो जो लाइट होती है आपके घर में आने वाली, उस बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है, कभी हार्ड आ जाती है, बहुत स्लो हो जाती है या फिर टिप कर जाती है। तो इस अवस्था में आपके घर में जो भी उपकरण लगे होते हैं सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए एक युक्ति है फ्यूज तार, ठीक ना। अब ये फ्यूज तार क्या चीज़ है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो फ्यूज तार एक प्रकार की मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे जो नया धातु बनता है या फिर जो नया धातु बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो ये भी फ्यूज तार भी एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। यह टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है, ठीक ना। टीन की जो मात्रा होती है इसमें 63% रखी जाती है और शीशे की मात्रा 37% रखी जाती है। अब यहाँ पर इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ होने का मतलब ये है कि उच्च प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए, ठीक ना। अर्थात कि जब कम टेम्परेचर पर ही गल जाए, गलनांक तो उसे ही कहते हैं कि जैसे मान के चलिए वह वायुमंडलीय मानक ताप एवं दाब जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है, तब इसका जो गलनांक होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक ना। और इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए हाई होना चाहिए। और ये इसे लगाया कहाँ जाता है? तो मान के चलिए ये आपके घर से, घर के बाहर से लाइट आ रही है और इधर से बाहर लाइट यहाँ से एंट्री मार रही है, और तो इस यहीं पर लगा देते हैं अंदर जहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि यहीं से जब लाइट अंदर प्रवेश डालती है तो बीच में लगाने से फ़ायदा ये होता है, ये जो होता है जब लाइट बहुत तेज आएगी तब ये फ्यूज तार गल जाएगा, और जब गल कर गिर जाता है तब यहाँ पर इधर लाइट जाती नहीं है। जब लाइट नहीं जाती है तो आपके जो सभी उपकरण होते हैं बच जाते हैं, ठीक ना। इस स्थिति में अब समझिएगा कि ये जो फ्यूज तार इस कैटेगरी का भी, जैसे आपके घर में और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, ठीक ना, उसमें भी इस टाइप का फ्यूज तार लगा रहता है, ये बीच में होता है। अब समझिएगा कि ये उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, जब धारा बहुत ही तेज़ी से आती है तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसे थोड़ा सा हम फार्मूले से देख लेते हैं। फार्मूला ये होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I क्या? H उष्मा है और I तार में प्रवाहित होने वाली धारा है, R प्रतिरोध है और T टाइम है मतलब कितने समय में, ठीक ना। तो जो लाइट होती है उसका मान बहुत जल्द, जो करंट होता है उसकी वैल्यू इतना बढ़ जाती है, ठीक ना, टिप के दौरान या फिर आंधी तूफान आ जाती है तो इस अवस्था में, ठीक ना, जो करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब करंट का मान, I का मान ज़्यादा बढ़ जाता है तो उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है, और जब उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है तब वहाँ पर ये तार जो होता है गल कर गिर जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और जब गल कर गिर जाता है तो आपके जो सभी उपकरण होते हैं बच जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है कुछ उपकरण, जैसे ही है ये है सब MCB, MCCB, RCB और RCCB। ये सब कुछ आजकल के आधुनिक उपकरण, आधुनिक तकनीकी पर आधारित हैं। ये सब मिली सेकेंड में कार्य करते हैं। जैसे आपके घर में भी MCB लगा होता है, रोज शाम को ऐसे ऊपर टुक टुक करते होंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो MCB है ये स्वचालित रूप से होता है। स्वचालित रूप से होने का मतलब ये है कि जब भी लाइट टिप करती है या फिर तेज लाइट आ जाती है तब वहाँ पर ये अपने आप, इसका जो हैंडल होता है ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहता है, तुरंत टुक देन नीचे चला जाता है। तो अब इस अवस्था में आपका जो लाइट है, आपके घर में जो भी उपकरण है वो बच जाते हैं। अब यहाँ पर इस फ्यूज तार की बात करें तो इसे आपने घरों में भी देखा होगा। ये एक चीनी मिट्टी का बना होता है, इधर ये चीनी मिट्टी का बना होता है, इधर इसका ये तो संरचना में ही है। ये जो होती हैं धातु की पतली पन्नी, कापर वगैरह की पतली पत्ती लगा दिए जाते हैं, और इधर इन दोनों तारों को विद्युन्मय तार कहते हैं। विद्युन्मय तार मतलब जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर ये फ्यूज तार है बीच में, और फ्यूज तार को इस तरीके से बैंड कर दिया जाता है। कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए फ्यूज गल के गिर जाता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं कि तो कोई भी तार ला के, मोटका वाला तार उठा के ला के उसी में ऐंठ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस तार को, कापर का तार तो कभी नहीं फ्यूज में लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? कि जो कापर का वायर होता है, कापर का, ठीक ना, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब प्रतिरोध कम होता है तब वो उस करंट को तो ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रतिरोध तो वही होता है ना कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना। तो जो कापर का, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। दूसरी बात ये करें तो इसकी सुचालक होता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कैपेसिटी वाला कंडक्टर होता है, लाइट इसमें बहुत तेज़ से फ्लो करती है। तब इस अवस्था में यदि आप सोचिए कि इस फ्यूज तार की जगह पर हम इसको लगा देंगे तो अगर तेज़ भी लाइट आएगी तो इसको झेल लेगा, और जब झेल लेगा तब आप समझिए आगे क्या होगा, आपके जो भी उपकरण लगे होंगे बचेंगे नहीं। तो कारण ये है, तो कापर का नहीं लगाना चाहिए। और गणितीय रूप में ये देखा जाए तो R का मान कैस पर निर्भर करता है, रो L बाई A, ठीक ना। तो
इसके लिए यदि हम तार के अगर ज़्यादा लंबा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लंबाई लगा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। और हमें प्रतिरोध उतना ही चाहिए, ठीक ना, जितना कि एक लिमिट में एक मिस फ्यूज तार का होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।